अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इलेक्ट्रिक ऑलराउंडर में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज की वीडियो में हमारे पास 2 HP टोका मोटर जिसके हम कनेक्शन करने जा रहे हैं और आपको समझाएंगे इंशाल्लाह। अगर आपके कनेक्शन यहाँ से अगर ख़राब हो जाते हैं, घुल जाते हैं, जल जाते हैं तो आपने इसके कनेक्शन कैसे करने। ये देखिए हमारे पास ये 2 HP की टोका मोटर है तो इसको हमने रिमाइंड किया तो अभी इंशाल्लाह हम इसके कनेक्शन भी करेंगे और आपको दिखाएंगे कि इसके कनेक्शन कैसे करें। ये देखिए हमारे पास इस टाइम 5 वायर्स हैं इसमें, 2 HP टोका मोटर में 5 वायर्स हैं, जिसमें ये जो हमारे पास 2 ब्राउन कलर की वायर्स हैं ये हमारे पास रनिंग की जो कि वाइंडिंग से आ रही हैं। उसके बाद ये जो हमारे पास ब्लू कलर की जो वायर्स हैं, एक जो है वाइंडिंग से आ रही है, दूसरी वायर कैपेसिटर से आ रही है स्टार्टिंग कैपेसिटर से। तो ये जो हमारे पास तीसरी जो ब्राउन वायर्स है ये हमारे पास रनिंग कैपेसिटर की है। अब ये 5 वायर्स हैं, इन 5 वायर्स की कनेक्शन आप कैसे करेंगे ये देखिए। सबसे पहले जब भी आप मोटर को वाइंड करते हैं, अगर उनकी वायर्स बाहर निकली हुई है, अगर वाइंडिंग वाली वायर्स बाहर है तो उनमें आप उसका अंदाज़ा कैसे कर सकते हैं कि इसमें रनिंग की कौन सी है और स्टार्टिंग की कौन सी है। आप उन वायर्स को देखेंगे तो उनमें वायर्स कुछ एक वायर्स मतलब 2 वायर्स मोटी होंगी और एक वायर्स पतली होगी। जो वायर्स मोटी होगी वो आपकी रनिंग वायर्स होगी और जो पतली होगी आप अंदाज़ा कर सकते हैं अपनी मतलब देखकर आप अंदाज़ा कर लगा सकते हैं कि इसमें मोटी पतली वायर्स कौन सी है, तो आप उससे भी आप उसको मतलब देख सकते हैं। जैसे कि ये देखिए मेरे पास ये वाइंडिंग से आई हुई वायर्स हैं, ये 2 मोटी वायर्स हैं रनिंग की होगी और जो पतली वायर्स होगी मेरे पास वो स्टार्टिंग की होगी, ठीक है जी। फिर उसके बाद लूप भी आती है, उसके बाद ये लूपें निकली होंगी, उसमें से कैपेसिटर की एक रनिंग कैपेसिटर की होगी और साथ में स्टार्टिंग कैपेसिटर की भी होगी। तो अगर आपके पास ये चीज़ मतलब सामने आ गई है कि आपके पास आपको मालूम होगा कि इसमें रनिंग स्टार्टिंग कैपेसिटर की वायर्स कौन सी है तो फिर आपने उसके कनेक्शन कैसे करने हैं। अब चलते हैं, देखें मेरे पास इस टाइम 2 रनिंग्स की वायर हैं जो ब्राउन कलर में है और साथ में स्टार्टिंग वायर्स हैं, एक स्टार्टिंग जो वाइंडिंग से आ रही है, बाकी जो कैपेसिटर से क्लच से होकर कैपेसिटर से होकर बाहर आ रही है और साथ में ये जो जो ब्राउन कलर इसकी वायर है ये भी क्लच से होकर कैपेसिटर से होकर बाहर कनेक्शन बॉक्स में आ रही है। अभी हम करते हैं कनेक्शन इसके। अब हम इसमें से ब्राउन कोई भी एक वायर्स ले लेंगे, अपने हाथ में एक ब्राउन हमने ले लेनी है। उसके बाद जो वाइंडिंग से स्टार्टिंग वायर्स आ रही है आपने वो भी ले लीजिए। मान लीजिए कि आपके पास वाइंडिंग से आ रही है, जो वाइंडिंग की अपनी वायर्स है वो आ रही है, लूप नहीं आ रही, लेकिन चले मेरे पास लूप है तो मैं आपको समझाने की खातिर ऐसे बोल रहा हूँ। अभी मेरे पास ये जो वायर्स है जो वाइंडिंग से आ रही है उसको और एक रनिंग को ब्राउन कलर की वायर जो रनिंग और स्टार्टिंग को मैंने मिलाकर कॉमन कर देना है। ये वायर्स मैंने कॉमन कर दिया। उसके बाद ये देखिए मेरे पास 3 वायर्स बच गई हैं, जिसमें से एक मेरे पास रनिंग है जो वाइंडिंग से आ रही है, एक वायर जो वाइंडिंग से आ रही है, उसके बाद ये जो 2 वायर्स हैं ये मेरे पास एक स्टार्टिंग कैपेसिटर रनिंग कैपेसिटर की है। तो अभी मैंने क्या करना है, दोनों घोड़ देना है, रनिंग कैपेसिटर की और स्टार्टिंग कैपेसिटर की वायर्स को मैंने आपस में बाद जो वाइंडिंग की रनिंग वायर आ रही है मैंने उसको उसके साथ यहाँ पर जोड़ देना है। अब देखें यहाँ पर मैं इसको जोड़ लिया, वायर्स मैंने यहाँ पर जोड़ पास 2 वायर्स मतलब लूप बन गई है यहाँ पर। तो अभी मैंने जो भी करना है और चेक करके आएंगे इसको, चेक हमने कैसे करना है। अब यहाँ पर मैं इसको चेक करूँगा, अभी मैं इसको कनेक्शन दे रहा हूँ, ये मेरे पास सीरीज लीड है तो ये मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ इसके। तो आपने यहाँ से भी इसको देखना है कि ये उल्टी चल रही है सीधी चल रही है, वो भी हम देख लेंगे। तो इसको सीधा जब अगर उल्टी चल रही है, अगर सीधा कर रहा हो तो कैसे करेंगे, अभी देखते हैं। यहाँ पर लगाते हैं इसको, ये मैंने लगा दी पैरेलल में। अब ये देखिए मोटर मेरी यहाँ पर चल चुकी है, मोटर हमारी जो है उल्टी, हम इसको सीधा कैसे कर रहे हैं। सीधा करने के लिए हमारे पास ये देखिए मैंने यहाँ से इसको वायर्स को पहले उतार लिया। अब इस मोटर को सीधा करना है मैंने, तो सीधे के लिए मेरे पास ये जो मैंने रनिंग की जो वाइंडिंग की जो तार आ रही है हमारे पास, ये देखें ये जो वायर्स है हमारे पास 2 रनिंग की जो वाइंडिंग से वायर बाहर आ रही है, आपने उन तार खोल दे। अभी मैं एक तार को यहाँ से इस वायर को मैंने खोल के अलहदा कर लिया, ये देखें जो वाइंडिंग से स्टार्टिंग की तार आ रही है, अब ये मेरे पास 2 वाइंडिंग की ये नीचे वाली वायर्स हैं। अभी इस वायर्स को भी मैंने इसको मैंने साइड पर करना है, ये आपने ध्यान में रखना है, ये नो बाद में फिर आप वही दोबारा तार उसी तरीके से लगा दें। तो अभी देखो मैंने इसको यहाँ पे खोल लिया, अभी इस तार को मैंने अकेली वायर के साथ लगा देना है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर इसके साथ अकेली वायर के साथ। सिर्फ आपने तारों को चेंज करना है, मतलब जो तारे पहले लगी हैं उनको रनिंग की तार को आपने खोल देना, दोनों को खोलकर आपने एक को उस हाथ पे लगा देना, दूसरे हाथ पे। तो देखिए अभी मैं यहाँ पर इनको तारों को चेंज कर रहा हूँ, तो इससे हमारी जो मोटर है वो सीधे हाथ पे चल जाएगी। अभी मैं दोबारा इसको चेक करता हूँ, अब यहाँ पर मैंने सीरीज लीड को लगा दिया, यहाँ से मैंने इसको भी ऑन कर लिया, अभी मैं इसको ऑन करूँगा मोटर को। अब देखें ये हमारी मोटर जो पहले थी वो एंटी क्लाक चल रही थी और अब जो मोटर है वो क्लाक वाइज चल रही है, ठीक है जी। तो इस तरह आप अपनी मोटर को सीधा उल्टा कर सकते हैं और ऐसे कनेक्शन कर सकते हैं। अगर आपकी मोटर के कनेक्शन जल जाते हैं यहाँ पर कनेक्शन बक्स से, तो आप उसको कैसे सेट करेंगे दोबारा, तो कैसे ठीक करेंगे। ये थी हमारी आज की वीडियो, अगर वीडियो में समझ ना लगे तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर कमेंट बॉक्स में भी अगर आपसे सही समझा ना सकूं आपको, तो आप ऐसा करें कि मेरे पास
मेरे अबाउट में व्हाट्सअप नंबर मौजूद है, आप मुझसे व्हाट्सअप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह वहाँ पर आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। ये थी हमारी आज की छोटी सी वीडियो, वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन कर दें ताकि हमारे आने वाली मजीद अच्छी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह आप सब कामयाब नासिर हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।